हेलो गेम लवर्स, मैं उसमें तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टर्बो गेमिंग जोन पे। तो आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। तो लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक एक्सपी फार्म बनाया था जिससे मुझे काफ़ी सारा एक्सपी भी मिल गया। तो मैंने कुछ अपना टूल वगैरह इंचेंट भी कर लिया जिसमें मुझे अपने शॉर्ट में शार्पनेस 4 मिला और पिकेक्स में मुझे एफिशिएंसी 3 मिल रहा था। उसके साथ मैंने वो करा तो फिर मुझे फॉर्चून 2 भी मिल गया, तो फिर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने एक वो भी क्राफ्ट किया था तो उसमें पावर 3 मिला है। तो आई थिंक ये पावर 3 सबसे हाई होता है या नहीं होता वो तो मुझे पता नहीं है। तो आज मैं सोच रहा हूँ, आज मैं निधर जाने का सोच रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों की मैं कहाँ पे निधर का रास्ता बनाने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपना कुछ निधर का पोर्टल यहाँ पर बनाऊँ, और वो किस तरीके से बनाऊँगा वो आप लोग को मैं बना करके दिखाऊँगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे कुछ ऑक्सीजन चाहिए। तो आप लोगों को तो पता ही होगा ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिलता है, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की जब भी जरूरत पड़ती है मैं वहीं पर जाता हूँ अपने पुराने वाला घर में, और वहाँ पे जो मैंने माइन बनाया वहीं से मैं ऑक्सीजन वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँ ये मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तो ये आप लोग जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ कुछ ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से अपने पुराने वाले घर में चलता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर रहा तो नहीं लगता, अब तो शायद ये सिर्फ इन जानवरों का ही घर बचा है। बहुत दिनों से शायद कुछ खाया भी नहीं है, भूखे हैं। तो खैर कोई नहीं, मैंने बाद में खिला दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं नीचे जा करके थोड़े बहुत ऑक्सीडियंस कलेक्ट कर लेता हूँ। लगभग मुझे टॉक्स ओ भाई मैं अभी मरने वाला था, अभी मैं मरने वाला था। खैर कोई नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना फूड थोड़ा खा करके अपना फूड हेल्थ को पूरा फुल कर लेता हूँ, नहीं तो पता चले यार। ओ भाई मैं क्या करता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे अप्रॉक्स 18 या 16 की नीड है। तो फिर मैं यहाँ पर से ये कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर तो मुझे मिली कोई, ये ऑक्सीजन कलेक्ट होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बट ये कवर स्टोन वगैरह तो एक सेकेंड में टूट जाता। तो मैं जल्दी से इसे तोड़ लेता हूँ। भाई कितने चाहिए, कितने हो गए मेरे पास अभी टोटल? मेरे पास अभी हुए तो मैं इस पैरों को साइड में रखता हूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन से रख लेता हूँ पहले। तो मैं जल्दी से 16 कलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 16 तो कलेक्ट कर लिया, और मैं सबसे पहले तो ये डायमंड भी अपना ले लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास फॉर्चून 2 भी है। तो मैं जल्दी एक सेकेंड, क्यों ना मैं इसे पहले लावा को ऑक्सीडेंट्स में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि मैं मेरा डायमंड बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो ये तो हो गया भाई। तो देखता हूँ यहाँ पे कितने डायमंड है, शायद एक ही है। तो मैं देखता हूँ इसे कलेक्ट करके। ओ भाई एक से मुझे 2 मिल चुका है मुझे, और भाई इसे भी। ओ भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारे डायमंड्स है। ओ भाई यहाँ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा डायमंड। ओ भाई कितने डायमंड्स मुझे मिल गए भाई, बहुत ज़्यादा मिल गए। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो पहले देख लेता हूँ कितना मुझे डायमंड मिला। ओ भाई मुझे 12 डायमंड मिल गए। तो मैं इसे सोच रहा हूँ आर्मर वगैरह बना ही लूँ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, खैर आज तो मैं आज ही बना लूँ। अच्छा देख लेता हूँ मैं मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ। मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, नेदर का स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ये क्या बोलते हैं फ्लिंट वगैरह चाहिए। तो हाँ मेरे पास फ्लिंट तो है, तो मैं इसे ले रख लेता हूँ जल्दी से। और ये गोल्ड, और हाँ गोल्ड भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उन पिगलिंस वगैरह से ट्रेड कर सकता हूँ उनसे। तो सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ इसका एक सूट बना ही लेता हूँ, जो कि भाई 8 डायमंड से बना है। तो खैर कोई नहीं। और हाँ ये पिगलिंस आई थिंक गोल्ड का कुछ नहीं होता तो हम पे अटैक कर देते। तो मैं भाई कुछ गोल्ड का बना लेता हूँ, नहीं तो पता चलेगा वो मुझे जाते के साथ पीटना शुरू कर दिया। तो मैं इतना कलेक्ट कर लेता हूँ वापस, और शायद वो मुझसे मैं गोल्ड से ट्रेड भी कर सकता हूँ ना, तो शायद मुझसे ट्रेड भी कर सकता हूँ। पहले तो मैं अपना ये आर्मर वगैरह ये इक्विप कर लेता हूँ। भाई मैंने आयरन का पहन रखा है, तो भाई मैं इसे चेंज करता हूँ। तो घटिया, तो अलग ही लेवल का लुक लग रहा है। तो खैर कोई नहीं। और मैंने ये अभी ले लिया ना प्लेंट, तो मैं ले चुका हूँ। तो मैं जल्दी से आप लोग को तो बता चुका हूँ मैं कहाँ पे बनाने का सोच रहा हूँ। तो दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से बनाऊँगा आज। मैं नीदर में तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे फॉरेस्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे नीदर वाट वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पर्सन वगैरह बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से
फूड वगैरह को हटा लेता हूँ क्योंकि मैं यही पे अपना क्वार्टर बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से हट जाओ भाई, ये लास्ट इसी के टाइम पे कैसा आदमी से जल्दी से इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन प्लेस करता हूँ, आई थिंक इतना हो जाना चाहिए, कम ना पड़ जाएगा नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, शायद हो ही जाएगा अपना। भाई ये लास्ट, ओ भाई मेरे पास तो 4 बच गई है, तो फ्लिंट स्टील आयरन भी मेरे पास, तो मैं जल्दी से फ्लिंट और स्टील प्राप्त कर लेता हूँ। भाई एक प्राप्त कर लिया, सेल को सेल की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन यहाँ प्लेस करता हूँ। और भाई मैं जाने वाला हूँ नेदर में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं मुझे लावा के बीच में ना उतार दे भाई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 3 2 1। ओ भाई ये स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, पहले मैं अपना खाना वाना खा करके पेट पूरा फुल कर लेता हूँ भाई जल्दी से, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वहाँ जाने से। भाई चलता हूँ, दिखता हूँ भाई, गजब ही डरावना आवाज यहाँ पर से आता है भाई मेरे से। ओ भाई मैं कहाँ पे आया हूँ, ये कहाँ गया भाई, मैं कुछ दिख नहीं रहा मुझे भाई, आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओ भाई मुझे लग ही रहा था, मुझे लग ही रहा था मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है भाई। यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई, ये फॉरेस्ट का ही है क्या भाई, नहीं शायद ही फॉरेस्ट में है। तो मैं देखता हूँ भाई मैं कहाँ जाऊँ, किस साइड से उतरूँ भाई, मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है या वो भी नहीं है भाई, वही थोड़ा सा है। तो जल्दी से मैं से यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और भाई मैं प्लेस करते हुए उस साइड चलता हूँ। भाई मैं इस साइड आ चुका हूँ, ये लोग मुझे पे अटैक करने वाले हैं क्या, मारोगे क्या भाई, मारोगे मुंह तोड़ दूंगा भाई, मेरे से पंगे लेने की कोशिश भी मत करना। तो मैं जल्दी से किस साइड जाऊँ भाई, किस साइड जाऊँ, इस साइड जाऊँ क्या। ओ भाई बड़े गंदी आवाज़ से आ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा डरावना भाई, ये पी हमेशा पी ऐसा ही करेंगे हरकत। ओ भाई ये घास मुझे मारेगा भाई, ये घास मुझे मारेगा, पहले मैं अपना हेल्थ फुल करता हूँ भाई। मैं तो इसे बहुत से भी मार सकता हूँ भाई, तो मैं इसे बहुत से मारने का ट्राई करता हूँ। लगा क्या, नहीं साइड से बच गया, सिर्फ वो भाई एक और मुझे मार रहा भाई, किसने मुझे मारा, किसी ने तो मुझे मारा भाई, भाई दिख भी नहीं रहा भाई, मारा मुझे किसने, खैर कोई नहीं। मैं ये घास मुझ पर अटैक तो नहीं कर रहा, ये घास मुझ पर अटैक, ओ भाई खुद गायब हो गया, खैर कोई नहीं। मैं यहाँ पर देखता हूँ आसपास, मुझे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा भाई, मिल जाओ कहीं तो दिख जाओ। एक घास इस साइड, एक घास इस साइड, ये घास बहुत परेशान करता है, तो मैं इससे ये घास एक भी लग नहीं रहा, शायद आउट ऑफ रेंज है ये, क्या छोड़ो इसे इसे अपने हरकत हाँ करने देता हूँ मैं, क्योंकि तो मुझे पता है मैं जैसे अपना काम करूँगा ये फिर मुझ पर अटैक करेगा। कहाँ घास भैया, घास भैया या घास दीदी हो, अब तो शायद ये निशाना लग ही जाएगा। ओ भाई मुझे पता था, ओ भाई मैं बच गया, मैं अलग ही लेवल से बचाऊँ भाई इस वक्त, खैर कोई नहीं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये लोग तो शायद ट्रेड गोल्ड से करते हैं, नहीं तो कौन ट्रेड, तुम लोग करोगे क्या बे, ट्रेड करोगे मेरे से, शायद ये लोग नहीं करेंगे। तो मैं देखता हूँ कौन करते हैं भाई ट्रेड यहाँ पे, कोई दिख तो रहे हैं नहीं, वो वाले पिगलिंस मुझे दिख नहीं रहे इधर, शायद इधर नहीं होंगे, तो मैं देखता हूँ कहीं और भी जा करके भाई, और नेदर फॉरेस्ट मिल जाए तब तो बाकी कुछ और होगा भाई मेरे लिए। भाई तुम मिल जाओ जो मेरे से ट्रेड कर सकते हो भाई, इस साइड तो रास्ता ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं इधर बहुत ज़्यादा लावा, तो मैं जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि भाई मैंने आज ही अपना डायमंड का आर्मर वगैरह बनाया है। भाई मैं किस साइड जाऊँ भाई, आई थिंक मुझे उस साइड ही जाना चाहिए भाई। भाई मैं आधे घंटे से बिल्कुल घूम रहा हूँ, इसमें नहीं ये कौन सा बायाम आ गया ये मुझे पता अभी। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, भाई मैं यहाँ पे आधे घंटे से घूम रहा हूँ, मैंने यहाँ पे घास भी मारा था, शायद ये इसी का है क्या, तो शायद ये इसी का है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लिखा था भाई, एक और सा पोर्टल कहाँ लिखा है, वो जो पोर्टल होता है जहाँ पे कुछ गोल्ड वगैरह वाला मिलता है, ट्रेजर वगैरह। तो भाई
मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे वो फॉरेस्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे भाई क्या मिलता है, यहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। तो भाई गोल्डन एप्पल मिल चुका है जो कि बहुत अच्छा बात है, और ये एक बूट्स भी है तो मैं इसे ले लेता हूँ, और ये आयरन वर्टी का जरूरत है नहीं तो मैं इसे यहीं पर रहने लेता हूँ। तो भाई अभी तक यहाँ पे घास का भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, खैर कोई नहीं, मैं आगे फिर भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ किस साइड मुझे। ओ भाई शायद मुझे कुछ दिखा रहा है, शायद मुझे नीदर फॉरेस्ट दिख गया क्या, वो नीदर फॉरेस्ट है क्या, शायद वो नीदर फॉरेस्ट, हाँ वो पक्का वो कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ नीदर फॉरेस्ट ही है। तो भाई फाइनली मुझे नीदर फॉरेस्ट मिल गया, मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ खुशी के मारे, खैर कोई नहीं मैं इसे हटाता हूँ, हट गया भाई। चलो भाई जल्दी 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 चलो ऊपर भाई। तो भाई ओ भाई ओ भाई ये एस्केलेटर नहीं सुधरेगा भाई, मैं भाग जाता हूँ पहले यहाँ से। अभी शॉर्ट हाथ में आया था स्केलेटन, मुझे तो खैर ओ भाई आई थिंक ये किसी ने मारना स्टार्ट कर दिया, खैर कोई नहीं, काफ़ी बड़ा आई थिंक ये लग रहा है मुझे नेदर फॉरेस्ट। तो देखता हूँ भाई कुछ तो मिल जाए भाई, ट्रेजर वगैरह भी यहाँ पे होते हैं इस साइड का कुछ, ये तो भैया ओ भाई और मुझे नेदर वाट मिल गया, मैं तो मैं इसे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। ये सोल साइड भी कर लूँगी यहीं से क्या मैं, क्योंकि इन्हें शायद तो सिर्फ इन्हीं पे उगाया जा सकता, तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जल्दी से भाई मैं ये किससे तोड़ रहा हूँ, जब मेरे पास सवाल होगा, हाँ मेरे पास सवाल पड़ा हुआ है, फिर भी मैं ये शॉर्ट से इसे तोड़ने में लगा हुआ हूँ, खैर कोई नहीं मैं जिससे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। तो आई थिंक इतने तो इनफ लेंगे, क्योंकि मैं इनसे और भी ज़्यादा उगा सकता हूँ, तो ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो भाई मैं पहले आज ही पूरे अच्छे से लूट लेता हूँ। तो भाई मुझे ट्रेजर मिल चुका है, तो उसमें देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ओ भाई एक गोल्ड चेस्ट प्लेट जो मैं लेने वाला हूँ, नहीं या ले लेता हूँ, ये लूँ ये लूँ मैं ये लूँगा। खैर इन्हें मैं अंडा दे देता हूँ, ये अपना अंडा बना से ऑमलेट वगैरह खा पी करके खुश हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इससे इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें गिफ्ट कर देता हूँ भाई। ये भी तुम रख लो, ये भी तुम रख लो, ये भी तुम ही रख लो, और तो ये गोल भी तुम ही रख लो भाई। तो मैंने इन्हें गिफ्ट कर दिया, ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे भाई, अलग ही गंदा वाला स्कैम कर दिया मैंने इनके साथ, क्या कोई नहीं ये तो अपना फिर से ले आएंगे। तो मैं देख लेता हूँ भाई और भी मुझे कुछ मिलता है क्या, ट्रेजर वगैरह मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए। तो इस साइड जाऊँ या इस साइड जाऊँ, मैं जाऊँगा और राइट, क्योंकि राइट नहीं बट मैं जाऊँगा इस वक्त, राइट में जाना हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो इस साइड भी मुझे नेदर वाट मिल चुका है, लेकिन मैं लेने वाला हूँ नहीं, और इस साइड ये रास्ता एंड है, तो जल्दी से मैं अपना रिवर्स गियर मारता हूँ। ये क्या है, ओ ये चूरन, अजय चलो मैंने इसे तो निपटा दिया। तो भाई किस तरीके से जाऊँ, मैं इस साइड से जाता हूँ और मैं फिर से लावा में जलूँगा, मुझे अच्छे से पता है। तो भाई यहाँ पर कुछ नया तो आया, स्केलेटन भी है क्या भाई, स्केलेटन दादा हो गया यहाँ पे क्या। चलो इस साइड, ओ भाई ये घास ने मुझे पे अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं मुझे। तो भाई इस साइड भाई मैं घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ। ओ भाई मैं पाले तो वाह बहुत अच्छा। तो मैं इससे कहाँ पे है, कहाँ पे ये यहाँ पे मैं इससे थोड़ा देखता हूँ भाई, अगर इसने मुझे एक भी ब्लेज रॉड दे दिया भाई तो मेरा काम बन जाएगा भाई। एक दे दे भाई, एक दे दे। ओ भाई मैं नीचे गिरने वाला था भाई। ओ भाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। मैं पहले अपना रास्ता खुद ही बना लेता हूँ भाई, पीछे से भी हो क्या। ओ भाई चार तरफ से ये आकर के घेर करके मार रहे हैं अकेले, तो भाई ये तो गलत है भाई। तो मैंने बोर्ड से मारता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा एक एरिया बना लेता हूँ जहाँ से ये लोग मुझ पर अटैक ना कर पाए। तो भाई अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग को मैं बताता हूँ, नहीं पता चले इन्होंने मुझे नीचे लावा में फेंक दिया। मारोगे क्या। ओ भाई ये तो हो गया, बट मैं इनसे लड़ूंगा कहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ से लड़ना शुरू करता हूँ, ये जैसे ही मारेंगे मैं इधर साइड आ जाऊँगा। आ जाओ डिफेंस से क्या, ये इसका अलग ही दिक्कत है भाई। चल हट गया, चलो तो किस साइड है भाई ब्लेज, किस साइड हो, एक नीचे है। ओ भाई
कंप्यूटर अटैक कर रहे, नहीं तो मेरा वो आएगा ही पहले, मेरा पहले तो मैं खाना को भाई यहाँ पे मैंने कितना खाना खाना पड़ेगा भाई। तो भाई एक तो इसे तो मैं आपसे निपटा ही दूंगा। ओ भाई, ओ भाई मैं पहले यहाँ से भागता हूँ भाई, ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई। ये मैंने हार्ड में तो करा नहीं है ये, या फिर हार्ड है भाई ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो एक तुमको तो मैं मिटाई दूंगा भाई। हाँ तो मुझे शायद एक ब्लेड मिल चुका है जो कि नीचे है, तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा भाई। मैं इसे भी मारने का ट्राई करता हूँ भाई। तो जब तक ये अपना ऊपर फ्लाई करता है, इसे मैं अपना बटरफ्लाई बना के मार दूंगा, जिसका निशाना तो बड़ा ही कच्चा है। चलो भाई आई थिंक मुझे दो मिल चुके हैं, तो मैं जल्दी से नीचे चल करके उसे कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर मुझे कितना खाना खाना पड़ेगा भाई, मेरे पास तो फूड की भी कमी हो जाएगी भाई। तो मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ भाई, जो भी मिले उतना मैं खुश हो जाऊँगा। ज़्यादा लालच के चक्कर में पता चले ये भी मुझे नहीं मिले हैं। यहाँ पे एक्सपी तो पड़ा हुआ है, ये रहा ब्लेज मेरा भाई। फाइनली मुझे ब्लेज मिल चुका है। तो भाई यहाँ से भाई मैं ऊपर कहाँ से जाऊँ, यहाँ पे एक यहाँ पे भी है। तो अब मुझे यहाँ से वापस अपने वर्ल्ड में जाना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास फूड वगैरह भी थोड़ा भी नहीं बचा। तो भाई मैं किस साइड से आया था, मेरे कोऑर्डिनेट्स तो ज़्यादा मुझे याद नहीं, तो मैं देख लेता हूँ भाई मुझे पहले किस साइड जाना है। तो भाई मैं बहुत देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, अपने लगभग पहुँचने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे पिगलिन भी दिख गया, तो मैं इसे थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े गोल्ड हैं। तो भाई मैं चल भाई ट्रेड कर मेरे से, ये ले जल्दी से ट्रेड कर, कुछ तगड़ा सा दे, डायमंड वगैरह दे दे भाई, जल्दी से दे। चेक क्या कर रहा है भाई, मैं तुझे डुप्लीकेट थोड़े ना दूंगा। ये क्या दिया इसने, क्या दिया भाई, क्या दिया ब्लैक स्टोन। पागल है क्या भाई ये, अबे पागल है ये, गोल्ड के बदले ब्लैक स्टोन कौन देता है। इसके बदले कुछ क्या दिया तूने, क्या दिया, अबे भाग कहाँ रहा है, पहले रुक जा, देख लो क्या दिया तूने, क्या दिया भाई। ये शायद ये कौन सा एरो, ये स्पेक्ट्रल एरो। चल भाई ये तो ठीक है, ये पता नहीं क्या है। चल ये ले और ले तू, बहुत गोल्ड है अपने पास, जल्दी से कुछ तगड़ा दे, नहीं तो फिर तेरे कान के नीचे एक बजा दूंगा अपने शॉट से। क्या दिया इसने मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है ये कुछ बेकार ही दिया होगा। क्या दिया भाई तूने, कुछ भी, ये शायद नहीं, निधक भी तो इसने नहीं दिया भाई, ये पागल है क्या। चल भाग यहाँ से, गरीब आदमी भी नहीं, गरीब पिग है भाई। तो मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ भाई, मुझे कितना दूर जाना होगा अभी देख ही लेता हूँ। तो भाई मुझे नीचे उतरना, मुझे नीचे उतारो, कोई नीचे तो उतारो भाई। मेरा पोर्टल किस तरफ है भाई, मुझे जानना है, घर जाना है मुझे घर। ओ भाई मुझे दिख गया मेरा पोर्टल, ये रहा भाई। मैं फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, किस साइड से चलता हूँ क्या। अब हट गए तू, करेगा ट्रेड हट जा भाई, तू मेरे से ट्रेड करेगा क्या। अच्छा ये ले और कुछ तगड़ा दे, तेरे भाई ने तो कुछ लिया नहीं, मुझे उम्मीद है कि तू कुछ तगड़ा देगा भाई। दे अभी दे दे। तो ये क्या दिया भाई तूने, मैं इससे कोई नहीं, मैं इसे नहीं फेंकने वाला हूँ। क्या फेंकूँ इसे फेंकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसने क्या दिया भाई, पहले चेक कर लेता हूँ। वाटर भाई, पानी दिया, ये अलग पागल है यार, ये तो उससे भी ज़्यादा गधा है। खैर अब मैं इनसे कभी भी ट्रेड वगैरह नहीं करके अपना गोल्ड वेस्ट नहीं करूँगा, अलग ही पागल है। ओ भाई मैं यहीं पर से ऊपर गया था भाई, मैं घूम करके यहीं आया। तो भाई मैं जल्दी से यहाँ से ऊपर अपने वर्ल्ड में जाने वाला हूँ भाई, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं अपने घर में, खैर इतना भी ज़्यादा डरने का जरूरत है नहीं, मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। मैं पोकेट में उतना डरता हूँ, कोई बात तो है नहीं भाई। तो मैं अपने वर्ल्ड में वापस जाने वाला हूँ। मेरे को फास्ट फूड भी बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, मैं
भाई मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे डर लगा और ये बाहर शायद रात भी हो चुका है, मैं गेट में मेरा खुला क्यों नहीं, इससे गेट लगा हो गया। अब मैं मेरे पास दो शायद दो ब्रिंग स्टैंड बोल रहा हूँ रॉड है, तो मैं एक ब्रिंग स्टैंड भी बना सकता हूँ। तो मैं जो भी मैंने लाया है इतना सामान वामान वगैरह मैं सारे से यहाँ पर अपना स्टोर कर देता हूँ सेफली। तो भाई ये सब बहुत ज़्यादा महंगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा महंगा, तो मैं ये डायमंड वगैरह सब यहाँ पे अच्छे से, और इसका क्या यूज है तो मुझे पता है नहीं, तो आप लोगों को बताओ तो कमेंट में जरूर बताएं भाई। तो इससे ये सारा कुछ मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ तो भी है नहीं। आई थिंक इतना ठीक है, और सुबह भी हो चुका और पीछे लगता है स्पाइडर में उसके मन में कभी आवाज़ आ रहा है, तो खैर कोई नहीं। तो आप लोग मेरा पुराना घर देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।